रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने पत्र लिखा है, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण पर उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण करना दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही ये भी कि निजीकरण करने से आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं। तो नगर स्टील प्लांट को लेकर लगातार विरोध आदिवासी करते रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने पत्र लिखा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये भी लिखा है कि निजीकरण करने से आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं। तो नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का लगातार विरोध हो रहा है और इस बीच फूलो देवी नेताम ने पत्र लिखा है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। सौरभ परियार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का लगातार विरोध यहां पर हो रहा है, आदिवासी भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, अब राज्यसभा सांसद ने पत्र लिखा है, क्या आगे कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने जो है नगरनार एनएमडीसी जो प्लांट है उनको निजीकरण करने का फैसला लिया है और इसके विरोध में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार बार बार पत्र लिख रही केंद्र सरकार को। हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पत्र लिख चुके हैं लेकिन अब तक कोई इस पर जो है पॉजिटिव तरीके से जानकारी नहीं मिली है और लगातार एक बातें कही जा रही है कि नगरनार जो है जो प्लांट है वो निजीकरण कर दिया गया है। तो ऐसे में संसद का भी सत्र चल रहा है और ऐसे में जो है राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने एक बार फिर से पत्र लिखा है केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ताकि ये जो मुद्दा है वो सारे विपक्षी सांसद जो है राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा सकें। इससे पहले कि उन्होंने एक पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि निजीकरण का यह फैसला जो है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय है वो आंदोलित हो रहे हैं और उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से यह भी बताया है कि किस तरीके से अभी तक उस पर आधा से ज्यादा काम हो चुका है और ऐसे में निजीकरण करना जो है केंद्र सरकार को भी नुकसान होगा और कई तरीके की परेशानियां भी है। तो निश्चित रूप से जो नगरनार जो निजीकरण का मामला है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संसद के दोनों सदनों में सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, और लगातार आदिवासी भी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के संदर्भ में पत्र लिखा है और विरोध जताया है और ये भी कहा है कि निजीकरण करने से आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है